नमस्ते बच्चों, हम सीख रहे थे एक फूल की चाह, सियाराम शरण गुप्त जी की कविता। हमने इस कविता का भाग एक में देखा था कि किस तरह से सुखिया की बीमारी से निराश उसके पिता के हृदय में एक ऐसा अंधकार छा जाता है कि उसे चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई देती है, क्योंकि उसकी बेटी ने उसे प्रसाद के रूप में देवी माँ के चरणों का फूल की मांग की है। अब हम एक फूल की चाह इस कविता के भाग दो में देखते हैं आगे कि क्या सुखिया के पिता ने उसकी यह इच्छा पूरी की या नहीं, और इस कविता का अंत आखिर क्या हुआ। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं हमारे अगले पद को। देख रहा था जो स्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बच्चों, यहाँ पर सुस्थिर यानी पूरी तरह से ठहरी हुई, अटल यानी स्थिर, उकसा कर यानी प्रेरणा देकर जागृत करके। इसका भावार्थ है, सुखिया के पिता अपनी बीमार बेटी सुखिया का वर्णन करते हुए कहता है कि जो बच्ची घर में एक क्षण भी शांत नहीं बैठती थी, आज वही बच्ची बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई है। उसकी यह दुर्दशा देख उसके पिता का हृदय फट जाता है, कांप उठता है, वह दुखी होता है। सुखिया का पिता स्वयं ही बार बार अपनी बेटी को प्रेरित कर रहा है कि वह उसे फिर से वही शब्द कहें कि पिताजी, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। आगे हैं, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर सीज विहसित थे पाकर समुदित रविकर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। बच्चों, आखिरकार पिताजी ने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने की ठान ली, और यहीं पर अगले पदों में उस मंदिर का वर्णन किया हुआ है। तो पहले देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। शैल यानि पहाड़, शिखर, शैल यानि पहाड़, विस्तीर्ण यानि फैला हुआ, स्वर्ण कलश सर सीज का अर्थ है कमल के समान सुंदर सोने का कलश, विहसित यानि हंसते हुए, समोदित का अर्थ है भली प्रकार खिला हुआ, रवि कर जाल का अर्थ है सूर्य की किरणों का समूह, और अमोदित का अर्थ है आनंद से भरा, और मुखरित यानी प्रकट होना। तो देखते हैं इसका भावार्थ। यहाँ पर मंदिर के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है कि एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर यह एक विस्तृत और विशाल मंदिर स्थिर है यानी बना हुआ है। उसका सोने का कलश सूर्य की किरणों से ऐसे चमकते हुए दिखाई दे रहा है जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल ही खिल उठे हो। धूप दीप की सुगंध से मंदिर का संपूर्ण आंगन महक रहा था तथा उसके चारों ओर उत्सव जैसा उत्सव उल्लास समय वातावरण भरा हुआ था। तो बच्चों, यहाँ पर अब मंदिर का वर्णन किया है, यानी सुखिया के पिता अब मंदिर तक तो आ पहुंचे हैं। अब देखते हैं अगला पद क्या है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना पढ़े ही मैं आंगन को, जाने किस बल से निकला। मेरे दीप फूल लेकर वे
अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दू जाकर मैं। बच्चों यहाँ पर वृंद यानी समूह, मृदु यानी मधुर मीठा सुरीला, मृदमय का अर्थ है खुशी सहित, पतित तारिणी यानी गिरे लोगों का तारण करने वाली उद्धार करने वाली, ढिकला यानी ढेला ढेला गया, अर्पित यानी ढिकला यानी ढेला गया, अर्पित यानी भेंट करना, अंजलि यानी दोनों हथेलियों का संपुट। बच्चों इसका अब हम देखते हैं भावार्थ। मंदिर में जब मंदिर के पास सुखिया के पिता जाते हैं तब उन्होंने वहाँ का वर्णन किया है कि मंदिर में उपस्थित सभी भक्त पूर्ण भक्ति और प्रसन्न भाव से माँ की महिमा का गुणगान अपने मधुर कंठों से कर रहे हैं, वे गा रहे हैं, उसमें वो तल्लीन हो गए हैं। और यही मौका पाकर सुखिया के पिता मंदिर में जाने प्रवास मंदिर में जाकर माँ की पूजा कर वहाँ से प्रसाद लेने की बात तय करता है, और इसीलिए उसने यही जो समय है उसे चुन लिया था। पापियों का उद्धार करने वाली तथा सबके पापों को दूर करने वाली माँ तेरी जय हो, इतना सब देखते ही सुखिया के पिता के मुख से भी अचानक ही निकल पड़ा कि पतितों को तारने वाली माँ तेरी जय हो। सुखिया के पिता के अंदर एक अपार शक्ति का प्रभाव हुआ और इसी के बल पर वह आगे बढ़ा। देवी का प्रसाद वह फूल लेकर वह मंदिर के अंदर जा पहुँचा। जब पुजारी ने सुखिया के पिता को माँ के चरणों में अर्पित फूल उठाकर दिया तो वह बहुत प्रसन्न उठा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी जो है उसकी इच्छा पूरी हो रही है, वह करने जा रहा है। वह फूल पाने की खुशी में क्षण भर के लिए प्रसाद तक लेना भूल गया, क्योंकि वह इस समय केवल यही सोच रहा था कि उसकी बेटी उस फूल से ही ठीक हो जाएगी। तो बच्चों देखा ना, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए माता पिता कितने तड़पते हैं, कितना प्रयास करते हैं, अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं बुराइयों की और उनके साथ होने वाले उस बर्ताव की। वो बस यही चाहते हैं कि किसी भी हालत में उनके बच्चे सुखी रहें और खुशहाल रहे और उनकी सारी इच्छाएं वो पूरी कर सके। आगे देखते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्या सुखिया के पिता उस फूल को प्राप्त कर सुखिया के पास लेकर जाते हैं या नहीं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंच में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अचूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। यहाँ पर सिंह पौर यानी मंदिर का मुख्य द्वार, सहसा यानी अचानक, धूर्त यानी छल करने वाला, परिधान यानी कपड़े, मानुष यानी मनुष्य, अनर्थ यानी भयंकर पाप, कलुषित यानी अपवित्र, चिरकालिक यानी लंबे समय से बनाई हुई, सुचिता यानी पवित्रता। सुखिया का पिता मंदिर के आंगन के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचता कि अचानक ही लोगों ने शोर मचाना ही शुरू कर दिया कि यह अचूत मंदिर में कैसे घुस आया।
लोगों ने कहा कि देखो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर वह एक भले मनुष्य के जैसा बना हुआ है। सभी ने कहना शुरू किया कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर की वर्षों पुरानी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। उसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। सुखिया के पिता ने कहा कि क्या मंदिर में जाने का उसका पाप माँ की महिमा से भी बड़ा है? उसने तर्क देते हुए कहा कि देवी के महत्व से बढ़कर किसी की महिमा नहीं होती, तो उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र कैसे हो गया? तो बच्चों यहाँ पर सुखिया के पिता एक अछूत थे, और उस समय जो अछूतों को मंदिर में प्रवेश करना मना था, और उसी समय पर जब ये वहाँ पर भक्तों को दिखाई देते हैं तो किस तरह से उसकी हालत होती है, उसे आखिर वो छोड़ते हैं। सुखिया को वो प्रसाद के रूप में वो फूल देने के लिए छोड़ते हैं। उसकी सारी हकीकत और उसके मंदिर में प्रवेश करने का कारण क्या वो सुन सकते हैं? आखिर सुखिया के पिता के साथ क्या होता है वो अब हम आगे देखते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के गुस्से दम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब, कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महा अपमान। बच्चों यहाँ पर भावार्थ बनता है इस कविता का। सुखिया का पिता भक्तों से पूछता है कि क्या उसका पाप देवी की महानता से बढ़कर है? ऐसी तुच्छ विचारधारा के व्यक्ति अपने आप को देवी का भक्त कैसे कह सकते हैं? वह कहता है कि ऐसा कहकर भक्त माता के गौरव को छोटा कर रहे हैं। परंतु उस समय किसी भी भक्त ने उसकी एक न सुनी। सभी भक्तों ने उसे पकड़ लिया और मार मार कर नीचे गिरा दिया। परंतु उस समय किसी भी भक्त ने उसकी एक न सुनी। सभी भक्तों ने उसे पकड़ 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 लिया और मार मार कर नीचे गिरा दिया। उसके हाथ का सारा प्रसाद वही बिखर गया। वह बस यही सोच रहा था कि उसकी अभागी बेटी तक यह प्रसाद एवं पुष्प कैसे पहुँचेंगे। देवी माँ के भक्त सुखिया के पिता को पकड़ कर न्यायालय ले गए, जहाँ उसे 7 दिन कैद में रहने की सजा सुनाई जाती है। उस समय दंड की यही व्यवस्था थी, क्योंकि उसके कारण देवी माँ का घोर निराधार हुआ था। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से न्यायालय ने भी उसे किस तरह से दंडित किया। बच्चों उस समय की परिस्थिति ही ऐसी थी कि वहाँ पर जो उच्च श्रेणी के लोग हैं, वो जो न्याय करते थे, जो सजा सुनाते थे, उन्होंने अपने ही दिमाग अपने आप के लिए इस तरह के कुछ नियम बनाए हुए थे, जिसके तौर पर ही ये सब दंडनीय काम किया जाता था। तो देखते हैं आखिर ये 7 दिन में जब सुखिया के पिता कैद में रहें तब सुखिया का क्या होता है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां भी थी। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रही थी।
दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई भय जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी न दिखाई वह। बच्चों जब 7 दिन के बाद वो छूट कर आए थे तो उसका वो यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं इन पंक्तियों से, सुखिया के पिता ने चुपचाप शीश झुकाकर अपना सर झुकाकर न्यायालय ने दिया हुआ दंड स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस पर लगाए गए आरोप का वह उत्तर भी क्या देता। 7 दिनों तक वह जेल में बंद रहा, ये 7 दिन उसके लिए सदियों के समान भारी पड़ रहे थे, निरंतर आंसू बहते रहे, निरंतर उसके आंखों से आंसू बहते रहे, उसकी वेदना फिर भी कम नहीं हुई। जब वह 7 दिनों के दंड को भोगकर बाहर निकला तब उसके पैर घर की तरफ नहीं उठ रहे थे, उसका मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जर अस्थिर पंजर को कोई पीछे की ओर धकेल रहा है। किसी तरह जब वह घर पहुंचा तब हमेशा की तरह सुकिया उसे देख दौड़ नहीं आई और न तो वह किसी खेल में उलझी हुई दिखाई दी। तो बच्चों 7 दिन में जो बहुत बुरा हुआ, यहाँ पर 7 दिन के बाद जब वो अपने घर की तरफ आया तब उसे हमेशा की तरह न सुकिया घर में दिखाई दी, न बच्चों में खेलती हुई दिखाई दी। आखिर क्या हुआ उसे हम आगे पढ़ते हैं। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूक चुके थे उसे वहां, बूझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी ढेरी, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। बच्चों यहाँ पर मरघट का अर्थ है शमशान घाट, परिचित यानि जान पहचान, रिश्तेदार, धधक उठना यानि जल उठना। इस आखिरी पंक्तियों का पद के जो भावार्थ है उसे इस तरह से बताया गया है कि सुखिया का पिता उसके घर पर न होने से बहुत दुखी होता है और वह उसे जब पता चलता है कि सुखिया का अंत हुआ है और उसके रिश्तेदार बंधु उसे मरघट पर लेकर गए हैं, तब वह दौड़ता हुआ सीधे शमशान घाट पहुंच जाता है। पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसके परिचित यानी रिश्तेदारों ने सुकिया की चिता जला चुके थे। उसके पिता की छाती ऐसा हृदय दृश्य, ऐसा भयानक दृश्य देखकर वह धधक उठता है, उसका जो मन है वो जल उठता है। उसकी फूल सी कोमल बच्ची अब उसे राख के ढेर में दिखाई दे रही थी। वह स्वयं को कोसने लगा कि सुकिया को आखिरी बार वह अपनी गोद में भी न ले सका। सुकिया की अंतिम इच्छा थी कि उसे देवी माँ के चरणों का फूल चाहिए था, पर वह उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। यह सब उसे एक अभागा पिता होने का अपराध खा रहा था। अछूत होने के कारण वह स्वयं को सचमुच भाग्यहीन महसूस कर रहा था। बच्चों इस कविता से जो सुखिया के पिता के साथ और सुखिया के साथ हुआ, सुखिया का पिता जिसे समाज द्वारा अछूत माना जाता है उसे मंदिर में प्रवेश करने पर मारा पीटा जाता है, दंडित भी किया जाता है, फिर भी वह सामाजिक नियमों से बाध्य होकर अपनी रक्षा में कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप दंड स्वीकार कर लेता है। इसका कारण यही है कि उसकी जो
बेटी है सुकिया, वो महामारी से पीड़ित है जिसकी चिंता उसे रात दिन सताती है, और इसीलिए उसके द्वारा वो सात दिन का कारावास का दंड स्वीकार करता है, उसके लिए वो मजबूर होता है। बच्चों, जन्म के आधार पर किसी प्राणी को नीच या अछूत मानना दंडनीय अपराध है। आज यह दंडनीय अपराध माना जाता है। छुआछूत मानवता पर सबसे बड़ा कलंक है। किसी को पवित्र स्थलों पर जाने से रोकना, उनके साथ मारपीट करना अन्यायपूर्ण है। पूजा के सभी स्थल सबके लिए एक समान है। किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के भेदभाव से पूरी मानव जाति कलंकित ही होती है।